Hi guys, good morning and this is Monica. Welcome to Pajama Girls new video. And अभी बज रहे हैं सुबह के 12 और एग्ज़ाम्स चल रहे हैं क्योंकि जैसे मैंने बताया था. ऑल्सो आज था संडे तो मैंने सोचा था कि मैं टाइम से उठ जाऊँगी और मुझे जो भी काम वाम कराना है चली जाऊँगी, करा लूँगी. मतलब कल परसों ही प्लान किया था बट देन यू नो कि नहीं हो पाता है. सो जैसे मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो मेरी कज़िन की शादी है अभी 2-3 मतलब इस वीक में ही. तो मैंने सोचा था कि यार मेरे को टाइम मिल जाएगा शॉपिंग के लिए और जो भी मुझे सब कुछ कराना है पार्लर वगैरह से. वैसे मैं कभी कराती नहीं हूँ बट ऑब्वियसली कज़िन की वेडिंग है तो मेरे मम्मा ने बोला कि कोई बात नहीं, अब तुम बड़ी हो गई हो सो तुम्हें करा लेना चाहिए. इसलिए अभी मेरे को कुछ सर्विसेज लेनी थी बट उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं था. तो कल मैंने इंस्टेंटली सोचा कि यार घर पर ही करवा लेती हूँ कुछ. और जयपुर में तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है कि कहाँ किससे साथ कराना है क्योंकि अब 3-4 साल हो गए यार. तो मैंने अभी अर्बन कंपनी के साथ कुछ बुकिंग्स किए हैं. तो होता क्या है कि आपको अपने अकॉर्डिंग स्लॉट्स मिल जाते हैं. तो मुझे जैसे संडे का स्लॉट चाहिए था तो मैंने अपने अकॉर्डिंग अपना स्लॉट बुक कर लिया है और उनकी जो प्रोफेशनल है वो ऑलरेडी आ गई हैं. तो देखते हैं अभी कि क्या एक्सपीरियंस रहता है हमारा. साथ ही मैंने जो सर्विसेज ली हैं उसमें फेशियल है, हाथों की डिटेनिंग है या फिर ब्लीच भी मैं करा सकती हूँ, थ्रेडिंग है, अपर लिप्स एंड ऑल सारे सब इन्वॉल्व हैं इसमें, साथ ही साथ मसाज वगैरह. तो इस सब का एक्सपीरियंस कैसा रहता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. और सबसे अच्छी चीज़ इसमें ये है कि जब भी वो आती हैं प्रोफेशनल तो वो अपना सेटअप लगाती हैं खुद से ही, जिसमें आपको कोई ज़रूरत नहीं होती कुछ और मतलब एक्स्ट्रा आपको करने की. वो अपने साथ खुद लेके आती हैं जैसा आप देख सकते हो. सो एंजॉय करो अभी ये सर्विसेज. मतलब मैं सर्विसेज ले रही हूँ तो मुझे तो मज़ा आ रहा है लेकिन आप देखते हो एंजॉय करो. ऑल्सो वेट करो कि मैं क्या रिव्यूज़ देती हूँ तो वीडियो को पूरा देखिए. राइट आफ्टर माई फेशियल एंड अदर सर्विसेज जो भी मैंने ली थी. ऑल्सो नॉट राइट आफ्टर बट थोड़ा टाइम हो गया बिकॉज क्या हुआ था कि सारे दिन से यहाँ पे बज रहे थे ढोल, पास में शादी थी तो मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई बिकॉज पूरा टाइम आवाज़ आ रही थी तो नहीं कर पाई. ऑल्सो दिस इज़ माई फेस. जो भी मसाज वगैरह हुई थी बहुत रिलैक्सिंग रहा आज का दिन. ऑल्सो ये फर्स्ट टाइम था जब मैंने इतनी सारी सर्विसेज एक साथ लिए हैं, मैं कभी कुछ नहीं करवाती और मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. ऑल्सो इट वॉज़ सो रिलैक्सिंग और कम्फर्ट जोन में था सबसे बड़ी बात, क्योंकि मुझे बाहर जाने में इतना ज़्यादा वो होता है कि यार कैसे जाएं. ऊपर से अभी इतना क्योस है क्योंकि शादी का सीज़न है तो पूरे टाइम हर जगह पर बुकिंग्स हो रखी होती है, आपको अपॉइंटमेंट लेने पड़ते हैं पहले से और बहुत वहाँ पर रश होता है. ऑल्सो कोविड भी कहीं कहीं केसेस आ रहे हैं तो थोड़ा सा रिस्की रहता है और टाइम भी नहीं होता यार. ऑल्सो मैनीक्योर भी करवाया है एंड आई हैव चोज दिस नेल पेंट बिकॉज क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम तक मैं ज़्यादा हैवी कलर्स नहीं लगाती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता. ऑल्सो दिस वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस विद अर्बन कंपनी एंड मैंने अर्बन कंपनी से अपनी बुकिंग्स की थी सारी सर्विसेज की. पहले मैं थोड़ा सा डाउट में थी बिकॉज हमेशा हम सामने जाके खुद से मतलब हमें पता होता है कि हमें कौन से पार्लर पर जाना है बट दिस टाइम मैंने बहुत क्योस मचा हुआ था यार, जाने का बिल्कुल हो नहीं पा रहा था. मुझे शादी में जाना है परसों, कल कुछ फंक्शन मतलब कल से फंक्शन स्टार्ट हो जाएंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीक मेरी कज़न की शादी है. सो बिल्कुल भी टाइम नहीं था जाने का, तो बिल्कुल नहीं, क्यों तो कोई चांस नहीं था. इसलिए फिर मैंने अर्बन कंपनी के साथ मतलब बुकिंग्स की और बहुत ही नाइस एक्सपीरियंस रहा. सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि वहाँ पे जो भी आपको प्रोफेशनल असाइन होती हैं उनकी आप रेटिंग्स और उनका पहले के जो भी रिव्यूज़ होते हैं वो चेक कर सकते हो एंड देट इज़ समथिंग वेरी गुड क्योंकि आपको पता होता है कि पहले वो क्या क्या सर्विसेज दे चुकी हैं, जिसमें मतलब लोग मेंशन भी कर देते हैं कि कैसा काम रहा क्या रहा, तो वो सब पता चल जाता है.
उसके बाद पूरा सेटअप उनका ही होता है, सब कुछ, आपको कुछ ज़रूरत नहीं है अपना कुछ भी लगाने की। इवन अगर आप अपने घर पे हैं, जैसे मैं तो बाहर रुकी हुई हूँ, लेकिन जब आप घर पे भी हैं तो भी वो अपना पूरा सामान लेके आते हैं, सब कुछ रेडी करते हैं, पूरा सेट बनाते हैं, उसके बाद वापस जाते टाइम भी, जैसे आपने वीडियो में देखा होगा कि पूरा क्लीन करके जाते हैं सब कुछ, तो वो चीज़ बहुत अच्छी थी। और ऑल्सो टाइम सेविंग है, दूसरा हाइजीन का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, तीसरा अभी कोविड के टाइम्स में बिल्कुल रिस्की नहीं है बिकॉज दे आर वैक्सीनेटेड, ऑल्सो पूरे टाइम प्रोफेशनल मास्क पहन के रहती हैं, ग्लव्स भी पहने होते हैं, और ये आपकी चॉइस है कि अगर आप कोई मसाज या कुछ भी करा रहे हो तो आप ग्लव्स के साथ कराना चाहते हो, दूसरे ग्लव्स जो होते हैं वर्किंग ग्लव्स, और या फिर सिर्फ हाथों से कराना चाहते हो, तो दैट्स अप टू यू, तो आपको खुद डिसाइड करना होता है उस चीज़ का, वो लोग आपको पूछ लेते हैं। सेकेंडली यार, कन्वीनियंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि टाइम टाइम वाला जो मैंने बताया, और कन्वीनियंट इसलिए है क्योंकि आपके पास वो आ रहे हैं, आपको जैसी सर्विस चाहिए, जिस तरीके की चाहिए, आप उनको समझा सकते हो, आप अपने कंफर्ट जोन में रह के अपना पूरा काम करवा सकते हो। मेरे जैसे आलसी इंसान के लिए इससे बेटर कुछ भी नहीं है दुनिया में। आई एम सो इम्प्रेस्ड ऑल्सो, मतलब ऐसा है कि ठीक है, मम्मी वगैरह के लिए अगर मैं ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं भी यूज़ करना चाहती तो मसाज ले सकती हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑल्सो थ्रेडिंग, मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम होती है कि मैं जयपुर में थी तब तो मुझे एक दो जगह थी जहाँ पे मैं अपनी थ्रेडिंग करवाती तो अच्छा होता था, अदरवाइज मेरा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहता है सब जगह का। बट दिस टाइम आई एम लाइक सेटिस्फाइड विद दिस बिकॉज मुझे ऐसी ही आईब्रोज चाहिए होती हैं, तो वो सबसे अच्छी चीज़ है। ऑल्सो नेचर वॉज सो नाइस, जो प्रोफेशनल थी उनका नेचर बहुत अच्छा था, मुझे लगा नहीं कि मतलब मुझे लगा था कि कैसा एक्सपीरियंस रहेगा, सो इट वॉज ऑल नाइस। सो आई मस्ट से कि अर्बन कंपनी बहुत सही जगह है ये सारी सर्विसेज बुक करने के लिए, तो मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगी अगर आपको कोई भी सर्विस चाहिए तो। टाइम सेविंग है और सबसे ज़्यादा अपने घर में है, और बेस्ट सर्विसेज हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कंप्लेन भी कर सकते हो वहाँ पे, सारे ऑप्शन दे रखे हैं, और आपके टाइम के अकॉर्डिंग आप उधर बुकिंग कर सकते हो, पेमेंट्स आपके अकॉर्डिंग कर सकते हो, ऑनलाइन करना है कैसे करना है सब कुछ आप कर सकते हो। ऑल्सो मम्मी के लिए भी मुझे बुकिंग्स करनी है तो वो मैं कर दूंगी, मेरी टेंशन ख़त्म हो चुकी है, मैं अब आराम से जाऊंगी, शादी वादी इन्जॉय करूंगी, और कुछ नहीं, आज का पूरा दिन मेरा इसी में गया है, क्योंकि मतलब सर्विसेज में तो जितना नॉर्मल टाइम लगता है उतना ही लगता है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि उसकी उसकी वजह से गया, बट इट वॉज सो रिलैक्सिंग है, मैं सो गई थी उसके बाद, और फिर उसके बाद उसके बारे में बातें करते करते आपसे अभी थोड़ा सा टाइम चला गया है। तो ठीक है यार, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, सेल्फ केयर पे थोड़ी ध्यान दे लो, कभी कभी कर लेनी चाहिए सेल्फ केयर, यू नो, मतलब मैं भी अब सोच रही हूँ कि यार महीने में एक बार तो, क्योंकि यार क्यों जी रहे हो, क्यों पैसे कमा रहे हो, मज़े वज़े करो थोड़े से। तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना, और ऑल्सो अगर कोई भी सवाल जवाब हो तो ज़रूर बताना, और दुआओं में याद रखना। बाकी ठीक है, फिर मिलते हैं दूसरी बार, मिलते हैं अगली बार, गलती तो मैं करूँगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मोनिका चौधरी गलती ना करे, तो चलो ठीक है यार, बाय।